Xiaomi कम कीमत में अच्छे स्मार्टफोन या अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करती है ताकि उसके कस्टमर्स को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। उसी का करंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, Redmi का Note 7 और Redmi Note 7 Pro, जो कि एक अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन मिलता है। अभी Xiaomi ने चाइना में Mi 9 अपना लॉन्च किया था काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, और जो आपको लगभग 35,000 के करीब मिलता है अगर आप ग्लोबल वेरिएंट चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। अभी लीक्स आई हैं कि Mi 9X लॉन्च होने वाला है, जो इंडिया में भी लॉन्च होगा। उसी के ही कुछ लीक्स, स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग की बात है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले रहे, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। जब भी हम किसी स्मार्टफोन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्प्ले की ही बात करते हैं। तो डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। डॉट नॉच के साथ ये डिस्प्ले होगी और फिंगरप्रिंट भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। इस पे ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। 2.5D कर्व ग्लास होगा। अब प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 675, जो आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इसी में ही आपको 6GB और 64GB का वेरिएंट मिलेगा। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो Xiaomi ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। अगर आप कंपेयर करेंगे Redmi Note 7 Pro से तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। एक तो वही कैमरा होगा सेम 48MP का सोनी IMX586, जो आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता है। सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का मिलेगा और थर्ड कैमरा इसमें आपको सुपर वाइड एंगल 13MP का कैमरा मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32MP का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड पाई 9.0 के साथ ये फ़ोन आएगा। MIUI 10 होगा और फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी और USB टाइप सी का सपोर्ट भी मिलने वाला है। 3700mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी और हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या दो सिम आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। लॉन्च डेट की बात करें तो ये अप्रैल में ही लॉन्च होने वाला है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेट 1999 यानी कि 19,999 रुपये रहने वाला है, जो इंडिया में लगभग 20,000 में आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी पावरफुल और सक्सेसफुल रहेगा इंडिया में, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेक रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए।